viewers, assalamu alaikum Pakistan, namaste India. This is your host Sam Nader and you're watching Catalyst Entertainment. Viewers, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक चैलेंज जिसमें हम दिखाएंगे एक छोटा सा क्लिप जो कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के बारे में है, कि कट क्लिप होगा और वो हम दिखाएंगे लोगों को और लोगों से जानेंगे कि उनको ये कौन सा सिटी लगता है, उसकी डेवलपमेंट देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, वहाँ की बिल्डिंग्स देख के, वहाँ की मैनेजमेंट देख के क्या लगता है कि आखिर कौन सा सिटी है, किस कंट्री का सिटी लग रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारे वीडियो में। लोगों की तरफ जाएंगे, उनको दिखाएंगे क्लिप और जानेंगे कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या समझते हैं। हम लोगों की तरफ चलते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? खुर्रम जावेद। अब्दुल्ला। नौशेद। रिजवान। नौशेद सर क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सर आज का हमारा एक चैलेंज है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको क्लिप दिखाएंगे और आपने वो क्लिप देखकर जो है गेस करना है कि ये कौन सा सिटी और कौन सा कंट्री है। ठीक है। आर यू रेडी? रेडी जी। बिल्कुल सही। ये आप क्लिप देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हुआ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा, बिल्डिंग्स कैसी लगी, मैनेजमेंट कैसी लगी। ठीक है सर, आज का हमारा एक चैलेंज है, हम आपके लिए लेकर आए, हम आपको क्लिप दिखाएंगे और उस क्लिप को देख के आपने जो है वो जज करना है कि कौन सी कंट्री और कौन सी कंट्री का कौन सा सिटी है। आप रेडी? बिल्कुल। चलें ठीक है, हम आपको क्लिप दिखाते हैं। ये देखिए सर कैसे कैसे एक बिल्डिंग है सर। बिल्डिंग्स कैसी लग रही है? हाईटेक कंट्री लग रहा है मुझे, कोई यूरोपियन कंट्री है। कौन सी यूरोपियन कंट्री लग रही है? बिल्डिंग्स देखें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैनेजमेंट देखें, आप एनवायरनमेंट देखें, कितना अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, कैसा जो है इसका जो है आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। बिल्कुल। जर्मनी की। जर्मनी लग रहा है आपको? बिल्कुल। बर्लिन। बिल्कुल। इतनी अच्छी लग रही है आपको कि आप जर्मनी जो है उसकी जैसा। हाँ। कैसा? और इसमें क्या आपको अट्रैक्ट क्या कर रही है? बिल्डिंग्स कितनी अच्छी हैं, क्या लगता है, किस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बेहतर लग रहा है। ये जो ट्रेन सिस्टम है रेलवे का वो भी बहुत डेवलप्ड लग रहा है। वो भी डेवलप लग रहा है। क्या अब आप मजीद भी देख रहे हैं, देखिए टेंपल्स भी हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक डेवलप कंट्री लग रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होती है ना कंट्री, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंट्री आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड लग रही है वो लग रही है डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, मुझे लग रहा है कोई जापान है मैं भी। जापान कैसे लगा आपको? आपने जापान की बात की, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लग रहा है? मैनेजमेंट मुझे तो लग रहा है जापान ही लग रहा है, मैं भी ना हो। कैसी मैनेजमेंट लगी आपको, क्या लग रहा है, किसा कैसा फील हो रहा है इनकी मैनेजमेंट देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के और जो रोड्स हैं और ये सब कुछ बिल्डिंग्स देख के किस तरह का फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंडिया है। इंडिया कैसे लगा आपको? बस मैंने एक दो वीडियोस में देखा है, अब मुझे लग रहा है कि ये इंडिया है। आपको आपने कहा कि इंडिया है, तो आपको क्या वाकई में लगता है कि इंडिया जो एक एशियन कंट्री है, तो इंडिया के इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है कि इतना अच्छा जो है चीज़ को मैनेज किया हुआ है हर चीज़? चेन्नई ये सिटी पाकिस्तान का नहीं है। सिटी पाकिस्तान का नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतना खूबसूरत सिटी तो पाकिस्तान में भी फिलहाल है कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऐसे ही okay. यूरोप में आपको क्या लगता है ये यूरोपियन कंट्री का कोई सिटी लग रहा है आपको? देखे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है, यूरोप का ही लग रहा है। इतना बेस्ट लग रहा है आपको कि ये यूरोपियन कंट्री आपको फील हो रहा है? यस। कौन सी सिटी लग रही है सर? समथिंग लाइक सिंगापुर और जापान। जापान लग रहा है या सिंगापुर लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। किस तरह से आपने गेस किया कि ये सिंगापुर हो सकता है या जापान हो सकता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन कंट्रीज़ का ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका। तो अगर से कहा जाए कि ये कोई एशियन कंट्री है तो फिर आपको क्या लगेगा कि कौन सी कंट्री है जो एशिया में किसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है जो कि सिंगापुर या फिर जापान का जो है कंपैरिजन जिसके साथ हम किया जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ज़्यादा बेहतर है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है कि ये इंडिया हो सकता है? मे बी आई थिंक सो। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बड़ा बेहतरीन है right. लग रहा है। और
उसमें ये भी एक देखा जाता है कि अगर ज़्यादा डेवलप हो जाए कंट्री तो उसमें ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ग्रीनरी टच भी है उसमें जो कि एनवायरमेंटल एक अच्छा एक चीज़ है, एनवायरमेंट के लिए सेफ भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है इस तरह की अगर कंट्री जो आपने आपको हमने क्लिप्स दिखाए हैं, अगर आपको चांस मिले ये जगह विजिट करने का तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल जाना चाहेंगे। एक तो वैसे भी आपको जो एक छोटी सी दुनिया मिली है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो ज़रूर ज़रूर जाना चाहूँगा ऐसी जगहों पे। बिल्कुल सही सर। क्या कौन सा कंट्री लगा आपको, कैसा फील हुआ, कौन सा कंट्री और कौन सा सिटी लगा? हाँ मुझे जैसे मैंने पहले बताया मुझे ये ऐसा लगा, एक तो दो तरह की फीलिंग आई हैं, एक जो आईटी फीलिंग और दूसरी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है मुझे जिस तरह, तो जर्मनी वाला मुझे फील आई है उसमें लगाया, क्योंकि उसमें जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की वो इसी तरह की है उसमें बिल्ड। लेकिन सर अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई एशियन कंट्री है, जर्मनी नहीं है, कोई एशियन कंट्री है, तो फिर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली जर्मनी तो बहुत डेवलप्ड है, आप बहुत अच्छी बात है आपने उनका नाम लिया, लेकिन अगर हम बात करें कि एशियन कंट्री, तो एशियन कंट्री में किस कंट्री से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मैनेजमेंट, उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सब इतना बेहतर? मुझे एशियन जापान लगता है, फिर दुबई वाली फीलिंग भी है इसमें, ठीक है, और इस पर मेरा ख्याल है ये जो वो जो टेम्पल्स वाली फीलिंग है वो उसमें ताइवान वाली फीलिंग भी आ रही है, तो इनमें से कोई हो सकता है फिर? नहीं बिल्कुल से नहीं। अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल? इंडिया का भी बेहतर है, वो जैसे कि उनके कुछ हैं जो मेन मेन सिटीज़ हैं वो बड़े डेवलप हो चुके हुए हैं, तो वो भी हो सकता है क्योंकि टेम जो कुछ ट्रेन स्ट्रक्चर भी उनका मिलता जुलता था इंडिया से, वो जो जैसा। सर अगर मैं आपसे कहूँ ये इंडिया ही है तो फिर? तो मैं शौक में चला जाऊँगा। चले जाएगी आखिर क्यों, हालांकि अगर हम देखें तो इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट इकॉनमी नाउ। बिल्कुल ये है कि अब हमारा जो साउथ एशिया है ना उसमें हम थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ हमें मिलेगी, लेकिन अगर इंडिया है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा जो साउथ एशियन में एक ऐसी कंट्री है जो कि इस तरह का फील आ रही है कि आप पहली थॉट में जाते हैं जी ये यूरोपियन टच आ रहा है, तो वो फिर अच्छी बात है अगर ये इंडिया है। तो अगर इंडिया का कौन सा सिटी आपको फील आई है, आपने देखा टेम्पल्स देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखी, तो आपको किस तरह का फील आया, कौन सी कंट्री, कौन सा सिटी हो सकता है, कौन सी स्टेट? पहले तो वही जेन में आता है कि जैसे इनका जो कैपिटल हो सकता है मुंबई। नहीं मुंबई तो नहीं है, मुंबई बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपने सारी चीज़ें देखी तो कौन सी जो चीज़ है वो आपको लगा कि वाकई ये जो है उसका? चेन्नई भी है। चेन्नई भी है, चेन्नई को कैसे लगा? उसका जो जो टेम्पल है और वो जो चेन्नई में ना ग्रीनरी इनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुंबई या दूसरे शहरों में, चेन्नई में जरा वो टच है। सर चेन्नई एक्सप्रेस में टच था उसमें। चेन्नई एक्सप्रेस में आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने चेन्नई एक्सप्रेस भी देखी हुई होगी तो आपको लगा कि ये वही सिटी है? शुरू में तो नहीं लगा था, लेकिन जैसे अब आपने अगर बताया कि वो है तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही सर, चेन्नई ही है ये सिटी, तो आपको कैसा फील हुआ आपने चेन्नई का, हमने आपको क्लिप्स भी दिखाए, कैसा फील आया, किस तरह का सिटी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मैनेजमेंट? हाँ जिस तरह का वीडियो में देख के पता लगा वो एक लगता है कि जो हाई क्लास मैनेजमेंट है वो चल रही है इधर, और एक हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, ऐसे नहीं है कि बस जैसे खुद ही चल रहा होता है सब कुछ, सिस्टम ना सिस्टम के बगैर चीज़ें चल रही होती हैं, वो वाली फील नहीं आ रही है, या एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत आप बिल्डिंग से लेकर रोड्स बड़े अच्छे लग रहे थे, जो हाईवेज वगैरह थी, तो एक सिस्टम के तहत जो चीज़ चल रही है ना उस वो वाली फीलिंग आ रही थी। सर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा सिटी है जो चेन्नई के लेवल पर होगा? पाकिस्तान में जो सिटीज़ बने हैं ना वो बनाए नहीं गए सिवाय इस्लामाबाद के, तो मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद एक तरीके से बनाया गया है तो वो ये वाली टच है उसमें, बल्कि मेरा ख्याल है जितना खूबसूरती के लिहाज से तो चेन्नई से भी ऊपर होगा हमारा इस्लामाबाद, लेकिन ये है कि जिस तरह लाहौर कराची वगैरह हैं ये सिटीज़ ऐसे हैं कि जो बनाए नहीं गए बन गए हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा इसमें कम है जितना एज़ कम्पेयर टू हमारे इस्लामाबाद में है, वो हर चीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई है। सर अगर विज़िट करने का चांस मिले तो विज़िट करेंगे चेन्नई? बिल्कुल, एक तो वो इंडिया से फीलिंग थोड़ी सी अलग है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़, क्योंकि वो हमारा ऐसे कह रहे हैं कि पेरेंट कंट्री था,
को तीन बता दें, मैं से एक मैं चूज़ कर लूँगा। चले मैं बता देती हूँ, ये दिल्ली हो सकता है, ये मुंबई हो सकता है, ओके नहीं वो नहीं है, ठीक है दिल्ली हो सकता है, ठीक है ये हो सकता है पुणे हो सकता है, और ये हो सकता है चेन्नई। ये दिल्ली हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, दिल्ली भी नहीं है, दिल्ली भी उनके बहुत अच्छे सिटीज में। आप खुद ही बता दें फिर दो। ये चेन्नई है सर, चेन्नई जिसमें हमने मूवी भी देखी हुई है, ये उस सिटी का जो है वो हम लोगों ने 4D जो है व्यूज़ देखे हैं, क्लिप्स देखे, कैसा लगा, कैसा फील हुआ उनका? मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, वो अपने मुल्क को बनाना जानते हैं, उनकी एजुकेशन 100% तक जा चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इधर 10% तक रह गई है। ये इमरान खान साहब आए थे जी, हम तालीम को ये कर देंगे वो कर देंगे, इवन के जो स्कूल से पहले चल रहे थे वो भी ये बंद होना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे गायें भैंसे बकरे सब कुछ ये आ गया, तो पढ़ाई इधर एजुकेशन होगी तो कुछ होगा। Exactly. और जो एजुकेशन ऑलरेडी हैं, जो एजुकेट लोग हैं, वो इतने ज़्यादा रिश्वतखोर हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मुल्क के लिए जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया को, क्योंकि हमारे साथ आज़ाद हुआ था और उसके बाद 70 सालों की जर्नी में उन्होंने कितना लंबा सफ़र तय किया, उन्होंने अपनी कंट्री को कितना डेवलप, कम से कम 300-400 साल आगे हैं। आखिर क्यों है ऐसा, उन्होंने किन जगहों पर काम किया जो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आता और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता? वो इसलिए हमसे आगे हैं, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे तवज्जो दिया, उसके बाद उन्होंने कोई भी गाड़ी की कंपनी आप देखें वहाँ पे जाती है ना, वो सबसे पहले उनके साथ 10, 20, 30 का एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारा नाम यूज़ करेंगे, हम आपका नाम नहीं यूज़ करेंगे। वो अपना नाम यूज़ करने के लिए उनसे पैसे देते हैं उनको, बल्कि लेते नहीं हैं, यहाँ पे कमीशन लेते हैं, अगर वो कंपनी आ जाए तो वो देते हैं। अब आप सुजुकी को ही लेंगे, वहाँ पे मारुति सुजुकी है, मारुति वो पहले लगाते हैं, सुजुकी बाद में आता है। बिल्कुल सही, जितने की गाड़ी है वहाँ पे उतने में 3 आ जाती हैं। बिल्कुल सही सर, हमारे साथ थे, हमने उनका ओपिनियन जाना। जी व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक था तमिलनाडु स्टेट के कैपिटल चेन्नई के बारे में, हमने लोगों को क्लिप दिखाया, उनका ओपिनियन जाना कि उनको ये कौन सा सिटी लगता है। बहुत से लोगों ने यही कहा कि ये कोई एशियन सिटी है ही नहीं, किसी एशियन सिटी कंट्री का जो है वो सिटी है ही नहीं। लोगों का ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। लेकिन जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।